बाकी मीटर कंसोल की बात करें अपन, तो भाई साहब ने अभी तक तो सील भी नहीं उतारी इसकी। पहले वाली केटीएम में बैटरी थी इसकी, वो बैटरी आगे की तरफ हुआ करती थी, अब इसमें पीछे की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज अपन अपनी बीस्ट का रिव्यू कर रहे हैं, तो आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ मैं। तो अपनी बीस्ट ओ यहाँ पे नहीं है, सो प्लीज अभी अपन लाते हैं। और अपनी वाली बाइक बीस्ट ये सामने खड़ी है, इसको राइड करने में बहुत ही मज़ा आता है। और मैं आपको इसका मतलब मोटा मोटा बताता हूँ, वैसे रिव्यू वीडियो तो हमारा है नहीं, वैसे चैनल है नहीं, तो हम थोड़ा मोटा मोटा एक दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, दो चार चीज़ें जो भी इसमें बढ़िया लगती है मेरे को। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ तो इसमें ये है कि सस्पेंशन इसके, जो कि R15 V3 में नहीं है कंपेरिजन में। और बाकी इस वाली का ये सस्पेंशन एक नंबर स्मूथ है, पीछे वाला भी स्मूथ है एक नंबर इसका। और बाकी दूसरी बात करें तो अपन इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट, जो अंडरबेली एग्जॉस्ट है ये दिखता ही नहीं है, बाहर आता नहीं है ऐसे, मतलब टायर के पास में से नहीं आता इसका अंडरबेली, यहाँ पे ही छुट्टा मुट्टा ही वो अंदर रह जाता है इसका। और बाकी अपन पावर प्रोड्यूस की बात करें इसकी, तो इसमें है इसकी 25.8 BHP मतलब पावर प्रोड्यूस करती है बाइक। और बाकी इसमें दूसरी चीज़ बात करें तो इसका लुक इतना मेरे को डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं लगा, पहले वाली KTM का बहुत ही बढ़िया लुक था, लेकिन इस वाली का ऐसे मतलब फ़ोटोज़ में इतना बढ़िया नहीं लगा मेरे को। मैं देखा था पहले डिलीवरी लेने से पहले देखा था फ़ोटोज़ में, मैंने रियल में कभी चलाई नहीं थी, तो अब आके देखा तो उतना भी ख़राब नहीं है जितना लोग बताते हैं वीडियोज़ वगैरह में बताते हैं, लेकिन बढ़िया लगता है ये वाला। और बाकी यहाँ पर कार्बन के बबल्स दिए गए हैं विंडशील्ड में, और बाकी इसमें विंडशील्ड थोड़ी लंबी और चौड़ी कर दी गई है इसको, मतलब साइड से वाइड कर दिया गया है इसको, तो अच्छा लग रहा है। और इसमें एयर प्रेशर भी मतलब ऊपर से निकल जाता है हेलमेट के ऊपर से, उतना ज़्यादा नहीं आता राइडर के ऊपर। और बाकी मीटर कंसोल की बात करें अपन, तो भाई साहब ने अभी तक तो सील भी नहीं उतारी इसकी, पकड़ना इसको एक बार। बाकी मीटर कंसोल की बात करें तो अपन स्टार्ट करके बताते हैं एक बार आपको, ये इसका कंसोल है। और गाइस इसमें मोड्स की बात करें, तीन मोड आते हैं इसमें, सुपर मोड आता है, एक ऑफ रोडिंग आता है और एक रोड मोड आता है इसमें। और बाकी ये इसमें कलर वाइज डिस्प्ले जो कि 390 cc आती है उसके अंदर कलर वाइज आता है, यहाँ पे पूरा जो डिस्प्ले दिख रहा है शो होता है, जो कलर वाइज डिस्प्ले होता है यहाँ पे। और बाकी आपको आवाज़ तो लास्ट में सुनाएंगे आवाज़ तो आपको। और इसके ये मतलब हैंडल बार भी ऊपर कर दिया गया है इसका, तो राइडर कंफर्टेबली राइड कर सकता है, लॉन्ग राइड भी इस पर हो सकती है आराम से। और बात करें अपन इसके मिरर की, मिरर विजिबिलिटी भी बहुत ही बढ़िया है इसकी, पीछे सब कुछ दिखता है। कंपेरिजन में मेरे पास R15 भी है, उसका भी एक रिव्यू निकालेंगे अपन, उसमें इतना क्लियर नहीं दिखता उसमें इतना, और राइडर कॉन्फिडेंस से नहीं मतलब ओवरटेक नहीं कर सकता उसको देख के। और बात करें स्विच क्वालिटी की बात करें, तो KTM तो आपको पता है कि क्वालिटी हमेशा हाई रखता है क्वालिटी, तो इसमें स्विच की बात करें अपन तो क्वालिटी तो एक नंबर है इसकी। और बाकी इसमें मेरे को एक कमी लगी थोड़ी बहुत, जो कि इसकी मोटर की बात आती है कुछ ज़्यादा ही आती है, आपको सुनाते हैं एक बार। ये जो स्टार्ट मोड आती है इसकी मोटर आती है वो आवाज़ करती है। और बाकी ABS देखने को मिलता है इसमें, और बाकी ये मैंने भगाई है इसको लगभग 135 तक क्रॉस किया है, अराउंड लगाई है मैंने इसको। और बाकी अभी नया नया इंजन है, कितनी की 650 किलोमीटर चलने वाली है ये, देखिए साहब 633 किलोमीटर। और बाकी एवरेज फिगर की बात करें अपन इसका 30 के आसपास एवरेज निकल रहा है अभी। और बाइक में बहुत ही चेंज किया गया है वैसे, मतलब इसमें भी दो पार्ट वाइज कर दिया गया है, जो इसकी बैटरी पहले वाली KTM में बैटरी थी इसकी, वो बैटरी आगे की तरफ हुआ करती थी, अब इसमें पीछे की तरफ हुआ करती है KTM की बैटरी वगैरह जो भी आता है इसका। और बैक लुक की बात करें, सीट को अपर कर दिया गया है, कम्फर्टेबली बैठ सकता है बैक पिलियन अब इस पर, और सीट बहुत ही कम्फर्टेबल है सीट। और बाकी पकड़ने वाले ये भी दे चुके हैं इसके अंदर, जो भी बैक मतलब पिलियन बैठेगा तो आराम से पकड़ सकता है, राइडर के ऊपर वजन नहीं डालेगा वो। और बाकी पीछे का लुक ऐसा कर दिया गया है जो कि बढ़िया है वैसे, एग्रेसिव लुक तो पिछले वाली KTM का था, RC थी पीछे वाली, मतलब इससे पहले वाला मॉडल था उसमें बहुत ही एग्रेसिव था पीछे वाली सीट, और इसमें कंफर्टेबल दे गया तो, लेकिन थोड़ी ऊपर भी कर दी गई है इसको। और बाकी अपन बात करें, और इसमें बड़े चेंजेस किए गए हैं, जो कि इंडिकेटर हुआ, ये मतलब पूरा मार्क्सी पूरा आगे का पोर्शन पूरा चेंज हो चुका है, मुंह चेंज कर दिया गया है,
तो इंडिकेटर भी वैसे विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है इसकी विजिबिलिटी, KTM की विजिबिलिटी वैसे भी हाई आती है, इंडिकेटर्स वगैरह तो आई लव KTM इंडिकेटर। और बाकी बात करें यार नंबर प्लेट को है ना, यहाँ से हटा के कुछ ऊपर दे देते ना यहाँ पे ही तो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन आजकल क्या ट्रेन में चल रहे हैं नंबर प्लेट लगाते ही नहीं है लोग। तो भाइयों मैं आपको बता दूँ, नंबर प्लेट लगा के चलाया करो, पुलिस वाले चालान बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है पैसे इतने लगवाने के चालान के। और आप रोड के नियमों से चलोगे तो बहुत ही आगे तक जा पाओगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं धर लेंगे पुलिस वाले। और बाकी बात करें इसकी जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी यार, जो अपन फेयरिंग की बात करें इसकी, मरगार्ड फेयरिंग हुई मतलब साइड फेयरिंग हुई, इनकी क्वालिटी एक नंबर है यार। KTM हमेशा क्वालिटी के मामले में पीछे नहीं हटता है कभी भी। और गाइज हम इसमें बात करें KTM का जो रेडिएटर आता है उसके ऊपर देखो प्लास्टिक की ग्रिल लगी होती है, प्लास्टिक ग्रिल ये वाली, ये वाली अपन को और बाइकों में नहीं देखने को मिलती, R15 में तो देखने को मिलती ही नहीं है वैसे। और बाकी अपन एक चीज़ और इसमें प्लेट है आगे वाली, इससे पहले यहाँ पे जॉइंट आते करते इसमें वेट कम करने के लिए बाइक में इसका ये हटा दिया गया है अंदर का जो भी पार्ट्स आते हैं इसका। और ये डबल ABS में है ये। और अपन पीछे चलते हैं एक बार, पीछे की आपको रह तो नहीं गया है। और गाइज थोड़ी बहुत गलती सुलती हो जाए तो माफ़ कर देना, इतना अपना रिव्यू ऐसे ही कर पाते हैं अपन थोड़ा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। कोई भी गलती हो आपका भाई है, सीख रहा हूँ अभी मैं, तो आप मेरे को गलती ज़रूर बताना वीडियो में कमेंट करके। और अपन और टायर फिगर की बात करें तो 150/60/17 टायर है पीछे वाला, और जो फ्रंट की बात करते हैं तो 110/70/17 टायर पीछे आगे वाला है, दोनों MRF टायर दिए गए हैं इसके अंदर। और इसमें पीछे वाली जो टेल्ट ID है ये है मतलब टेल्ट वाली, ये भी पूरी चेंज कर दी गई है, बेक लाइट भी चेंज कर दी गई है। और बाकी इंडिकेटर की तो बात ही अलग है। तो एक बार और गाइस अपन इंडिकेटर्स की बात करें तो विजिबिलिटी नाइट में एक नंबर विजिबिलिटी है। KTM के इंडिकेटर वैसे आपको पता है हाई क्वालिटी में आते हैं, ये एक ही इंडिकेटर 2000 रुपये के लगभग आता है, लमसम आता है मतलब। और ग्राफिक्स की बात करें तो इसके अंदर ऑरेंज एंड ब्लैक का टच दिया गया है, तो एक नंबर इसका मतलब लगता है इसका मतलब कलर वाइज। और ये अपन प्लेस में जो बैक पिलियन वाले आते हैं, फ्रंट वाले और बैक पिलियन ये वाले रैक्स वाले आते हैं, ये मतलब प्लास्टिक में दिए गए हैं, तो ये कलर में होते तो और भी अच्छा लगता है इनका। और बाकी इसकी चेन देख लो एक बार आप, ये ऑरेंज नहीं है, ये वाली सूखी पड़ी है चेन। और ये भी इसमें चेंज कर दिया गया है, पीछे वाला स्पोकर आता है, ये वाला चक्र आता है वो भी चेंज कर दिया गया है। और ये वाले औरतों के लिए बहुत काम में आता है भाई लोगों, इसे उतारा मत करो आप लोग, ये बहुत काम में आता है लेडीज़ वगैरह या कोई भी बच्चा बैठता है तो उसका पाँव वाँव नहीं जाता चेन के अंदर। और ये सेफ्टी के लिए लगाया गया है वैसे भी आपको पता है। और इसमें मरगाट भी चेंज कर दिया गया है, थोड़ा लंबा कर दिया गया है, यहाँ तक पहले यहीं तक था, फिर बाद में थोड़ा बढ़ा दिया गया अब, क्योंकि पीछे शिकायतें आ रही थी KTM में से कि कीचड़ उछल के आता है यहाँ तक, पिलियन तक आता है कीचड़ तक, तो वो चीज़ भी। और बाकी कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें ऑरेंज ब्लैक का टच दिया गया है, इससे बहुत ही लग्जरियस मतलब प्यारी लगती है बहुत ही यार। और बाकी ऑरेंज कलर तो फेवरेट है ही यार, और बाकी KTM ने ही लाया था ऑरेंज कलर, जैसे कावासाकी का ग्रीन कलर है और यामा का ब्लू, ब्लैक का ऑरेंज रहता है, तो वो सीन है इसका। और गाइस फेयरिंग्स की मतलब फेयरिंग्स गैप की बात करें अपन तो इसके अंदर ही फेयरिंग गैप्स है, देखो यहाँ पे पूरा दिखता है फेयरिंग गैप्स में, तो अंगुली आ सकती है छोटी छोटी ये देखो, तो ये फेयरिंग्स गैप इसमें अंदर भी है, जो कि R15 ने अब की बार सुधार किया है। और इसमें मतलब फेयरिंग क्वालिटी की बात करें तो एक नंबर क्वालिटी है, और बाकी इसमें कुछ रहा नहीं होगा मेरे हिसाब से। और बाकी यार इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, सेम चैनल के नाम से है The RJ41 Rider, उसके नाम से इंस्टाग्राम पे आओ यार, इंस्टाग्राम पे भी अपन ने बहुत तगड़ा धमाल मचा रखा है यार, तो वहाँ पे आओ, और यहाँ पे कुछ आ रहा होगा यहाँ पे फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे। और इसमें एग्जॉस्ट भी चेंज कर दिया गया है वैसे देखो, इसमें पहले यहाँ पे ये कवर नहीं आता था एग्जॉस्ट का, ये कवर दिया गया है, और पूरा मतलब नीचे से पाइप आ रहा है इसका, ये नीचे से पाइप आने लग गया नहीं, पहले साइड से ट्राई पाता था इंजन के पास से, तो इंजन हीट होता था और इससे ज़्यादा हीट होता था इंजन, तो गर्म लगती थी राइडर को, पाँव गर्म होता था बिल्कुल तगड़े तरीके से। और बाकी इसमें एग्जॉर के बाकी कुछ रहा नहीं होगा इसमें, तो इस व्लॉग को अपन यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी आपका क्वेरी है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है या मेरे से कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे। कुछ भी बाइक के बारे में पूछना हो, वीडियो रिलेटेड भी कुछ भी पूछना हो तो मेरे को से कांटेक्ट कर सकता है बंदा, कोई भी हो, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में पूछ सकता है मेरे से, है ना।
तो अपन मिलते हैं ऐसे ही एक मस्त से वीडियो के साथ में। इन दोनों भाई को अभी कंपैरिजन लाएंगे अपन, जल्दी लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, आई लव यू गाइज़।